दोस्तों जिस पल का इंतजार सभी यूट्यूबर कर रहे थे वो फाइनली घड़ी आ चुकी है। दोस्तों यूट्यूब सभी लोगों के चैनल को ग्रो करने के लिए नया फीचर देना शुरू कर दिया है जिसका नाम है हैंडल। जी हाँ दोस्तों, हैंडल के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया था कि हैंडल फीचर क्या है, ये कैसे काम करेगा और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। और उसके बाद दोस्तों YouTube ने भी अनाउंस किया था कि ये आपको दो तीन दिन में फीचर मिलना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये हैंडल फीचर आप सभी को मिलना शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का हैंडल कैसे बनाएंगे या हैंडल आपको कैसे मिलेगा। एंड दोस्तों बस आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और यार टेक्नो गुरुदेव चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप बहुत लेट हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी क्योंकि टेक्नो गुरुदेव पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको एक ईमेल मिला होगा YouTube की तरफ से जहां पर आपको चूज ए हैंडल का बटन दिख रहा होगा। आप वहां पर क्लिक करके अपने जो चैनल है उसका हैंडल चूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपके चैनल पर पहले से ही कस्टम URL जो है सेट होगा तो वही आपके हैंडल के लिए रिजर्व हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने अपने चैनल का कस्टम URL, चाहे आप अपने चैनल के नेम से या कोई भी कस्टम URL आपने वहां पर सेट कर रखा है तो वही जो है कस्टम URL रिजर्व हो जाएगा। ये इसलिए है ताकि जो है आपके चैनल का जो कस्टम URL है वो कोई और यूजर जो है उसको अपना हैंडल ना बना सके, तो वो उसी लिए जो है यूट्यूब रिजर्व कर देगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं हैंडल में जाकर। दोस्तों यहाँ पर चूज हैंडल के बटन पे क्लिक करके आप हैंडल आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये ईमेल आया है तो। ईमेल नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आपको ये ईमेल मिल जाएगा क्योंकि धीरे धीरे जो है सभी को मिलना शुरू हो चुका है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब्र करना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। जो चैनल का YT स्टूडियो है उसे ओपन करेंगे तो आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसा कि YouTube ने क्लियर कहा था अपने अपडेट में कि हम आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे जैसे ये फीचर रोल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट्स टाइम स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड हेल्प पीपुल फाइंड एंड एंगेज विथ यू बाय चूजिंग अ हैंडल। Your handle is unique to you to choose, so choose one that represent your channel. तो दोस्तों मैं आपको अपने इंडियन लैंग्वेज में बता दूं तो ये जो हैंडल फीचर है ये यूट्यूबर्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और आपके लिए, आपके चैनल के लिए ये बहुत ही यूनिक होगा और इससे जो है आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। आप अपने चैनल को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं हैंडल को चूज कर। दोस्तों यहां पर टेक्नो गुरुदेव का आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है YT स्टूडियो में और यहां पर डिसमिस और चूज नाउ करने का बटन दिख रहा है। तो हम यहां पर चूज नाउ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। और हां बहुत लोग कहेंगे कि अब मेरे YT स्टूडियो में नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, ये धीरे धीरे सबको भेज रहा है, आपको भी जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चूज नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों चूज नाउ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे आपको यहां पर आप देख सकते हैं चैनल का लोगो, चैनल का नेम, हाय योर हैंडल इज रिजर्व्ड, योर हैंडल इज टेक्नो गुरुदेव @TechnoGurudev। मतलब कि मैंने पहले से अपने चैनल का कस्टम URL सेट कर रखा था तो यहां पर मेरा जो कस्टम URL था वही मेरे जो है चैनल के लिए हैंडल रिजर्व कर दिया गया। तो यहां पर @TechnoGurudev जो है मुझे मिल चुका है और इसको कोई दूसरा नहीं बना सकता। अब दोस्तों अगर आप टेक्नो गुरुदेव को यूट्यूब पर फाइंड नहीं कर पा रहे तो @ लगाकर टेक्नो गुरुदेव सर्च करेंगे आपको टेक्नो गुरुदेव का रियल चैनल ऊपर ही दिख जाएगा। ये है टेक्नो गुरुदेव का हैंडल, चैनल का हैंडल। ठीक है, और यहां पर आपको चेंज हैंडल का बटन भी मिलेगा। आप यहां पर क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट हैंडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला आपका जो कस्टम URL होगा वो रिजर्व होगा, दूसरा कि जो आपने पहले का भी जो कस्टम URL बनाया होगा उस नेम से आपको वो हैंडल मिलेगा, तीसरा दोस्तों आप अपने हिसाब से यहां पर हैंडल सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर ये बता रहा है दोस्तों कि जो आपका कस्टम URL रहेगा वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, कस्टम URL भी आपका काम करेगा, वो अभी डेड नहीं किया जा रहा है। लेकिन हैंडल के थ्रू आप जो है कहीं पर भी अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं, चैनल के थ्रू जो है हैंडल के थ्रू कमेंट कर सकते हैं,
तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी अपने चैनल को लोगों तक पहुंचाने में। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मेरा जो है ये टेक्नो गुरुदेव सही है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म सिलेक्शन कर देता हूँ और ये मेरा जो है सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब जो मेरे चैनल का URL होगा वो है youtube.com/@technogurudev और यहाँ पर मेरे चैनल का हैंडल हो गया @technogurudev और ये जो कस्टम URL है वो भी कंटिन्यू वर्क करेगा जो पहले से चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है अब आपको हैंडल के थ्रू जो है मिलेंगी और ये बहुत ही अच्छा फीचर है और यार आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको भी जल्द ये फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करते ही दोस्तों आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं योर एडिशनल चैनल URL इज यहाँ पर जो youtube.com/@technogurudev अब ये चैनल का URL हो जाएगा, मतलब कि हैंडल बहुत ही यूनिक फीचर है और इससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज ए हैंडल, आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं और हैंडल एंड चैनल URL दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपका चैनल URL कुछ और है तो आप अपना हैंडल कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैंडल के बारे में बताई गई हैं, जो कि एग्जांपल देकर बताया गया कि आप कैसे इसको सर्च करेंगे, @ लगाकर चैनल का नेम लिखेंगे और वो हैंडल जो है अगर होगा यूट्यूब पर तो वो आपको सर्च में आ जाएगा सबसे ऊपर। और इससे दोस्तों होगा क्या कि लोग आपके वीडियो तक बहुत ही आसानी से पहुंच पाएंगे, आपके वीडियो को टैग कर पाएंगे आप, ठीक है, हैंडल लगा के टैग कर पाएंगे, हैंडल लगा के कम्युनिटी पोस्ट कर पाएंगे एंड हैंडल से कमेंट भी कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अभी तक जो है वर्जिनलिटी का पता नहीं चलता था। एक यूट्यूबर के कई सारे चैनल बना लेते थे लोग, वही लोगो वही वीडियो अपलोड कर देते थे, जिससे कि अगर यूट्यूबर का चैनल वेरीफाइड नहीं होता था तो कभी कभी जो है जो नए लोग उसका कॉपी करके बनाए रहते थे उनका चैनल उनका वीडियो जो है सामने आने लगता था, तो काफी व्यूअर जो कंफ्यूज हो जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कौन रियल चैनल है कौन फेक है, तो वो कभी कभी फेक चैनल को भी सब्सक्राइब करने लगते थे जिससे कि रियल बंदे का सब्सक्राइबर कम और फेक बंदे का ज्यादा हो जाता था। तो हैंडल फीचर इसीलिए यूट्यूब ने अनाउंस कर दिया है और ये सबको मिलना शुरू हो चुका है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने कस्टम URL सेट नहीं किया है और आपके 100 सब्सक्राइबर से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आप एक बार जाकर चैनल के कस्टमाइजेशन सेटिंग में जो है YT स्टूडियो को जो है डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे, चैनल के कस्टमाइजेशन सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर आप कस्टम URL सेट कर लीजिएगा अपने चैनल का और उसी से आपको आपका हैंडल मिल जाएगा। तो ये आपको कर लेना है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा था कि 100 सब्सक्राइबर से पहले भी कस्टम URL बन जा रहा है, तो अभी तो मैंने चेक किया वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप चेक करें और आपका कस्टम URL आपको मिल जाए और आप जो है अपना हैंडल अपने चैनल के लिए रिजर्व कर सकें। तो कस्टम URL जो रहेगा सबसे पहले वही हैंडल आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये हैंडल फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे तो काफी अच्छा लगा और आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये YouTube का हैंडल फीचर कैसा लगा और इससे आप कहां तक ग्रो कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो यार हर बार की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों दिल से वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के हेल्प और सपोर्ट के लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।